जिन्होंने यहाँ नई सड़क है चमटी के पास अंधेरे में धक्का देके इसको गिरा के इसकी स्कूटी को ले गए थे, जिनकी सीसीटीवी फुटेज जांच कर मालूम करने पर देखने पर इनको कल 15/10/2021 को इनको दस्तियाब कर लेकर आए थे। रामगंज थाना अंतर्गत बकरा मंडी से लौट रहे बुजुर्ग व्यापारी से लूट के आरोपी गिरफ्तार। बेखौफ लुटेरों ने अपंग बुजुर्गों को बनाया था लूट का शिकार। 9 अक्टूबर शनिवार शाम बकरा मंडी से लौट रहे एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यापारी को लूट का शिकार बनाकर उसकी स्कूटी और स्कूटी में रखे लाखों रुपए, 1 लाख का हस्ताक्षरित चेक, पासबुक व अन्य दस्तावेज लेकर फरार हुए शातिर बदमाश आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रामगंज थाना पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी, जिसके बाद मसूदा के नज़दीक एक गाँव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में सोमलपुर निवासी सिकंदर मुश्ताक और उत्तम चीता है, जिन्हें पुलिस रिमांड लेकर माल बरामदगी के प्रयास कर रही है। रामगंज थाने के एएसआई बाबूलाल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि लूट का शिकार बने चंद्रदाई नगर सियाराम नगर निवासी रतनलाल सिवासिया बकरा मंडी से अपना व्यापार कर वापस घर लौट रहे थे, तभी HMT जवाहर की नाड़ी के पास शहीद भगत सिंह मार्ग पर बाइक पर आए युवकों ने उसे रोक कर धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके बाद उसका स्कूटर उठाकर ब्यावर रोड की ओर फरार हो गए थे। दिनांक 9/10/2021 को मुस्तकी श्री रतनलाल सामरिया निवासी है सियाराम कॉलोनी चंद्रदाई नगर अजमेर, ये शनिवार को बकरा मंडी में अपना आड़तिया काम करता है। अपना हिसाब करके शाम को 7 बजे अपने घर आ रहा था, तो ये 3 लड़के अज्ञात व्यक्ति, उनका नाम है सिकंदर मुश्ताक और रुस्तम, जाति चीता निवासी है, आगला कांकड़ सोलमपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ नई सड़क है चमटी के पास अंधेरे में धक्का देके इसको गिरा के इसकी स्कूटी कोस के ले गए थे, जिनकी सीसीटीवी फुटेज जांच कर मालूम करने पर देखने पर इनको कल 15/10/2021 को इनको दस्तियाब कर लेकर आए थे, जिनसे गिरफ्तारी की जाकर उनकी खिलाफ राज बरामदगी की जाएगी और 3 दिन का फिर रिमांड लेने जा रहे हैं। और कहाँ से पकड़ा इनको तीनों को? तीनों को लेकर आए थे यहाँ से मसूदा के पास गांव से लेकर आए, वो पैसों की तंगी थी, धंधा फंड नहीं था, इसलिए वो बकरा मंडी में काम करते थे, बकरा मंडी वहाँ गया था, उसके पास पैसे आते थे, बकरे बेचते थे, दलाली में काम करता था। ये गाँव के ये पड़ोसी है, दोस्ती है, परिवार के, तो इस तरह 1,70,000 रुपये तो कैश थे और 1 लाख का चेक था और हिसाब की डायरिया थी, 394 में दस किया था और 30 दिन का PC रिमांड ले रहे हैं।